रहे थे उसी चैप्टर को हम आगे करेंगे। कल हमने किया समास की परिभाषा, समास के तीन भेद, आज बाकी बचे हुए तीन भेद करेंगे, द्वंद समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, और बाकी बचे हुए इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज। तो द्वंद समास से शुरू करते हैं। द्वंद समास जिस समस्त पद के दोनों पद समान स्तर के हों, अर्थात समान हों, कि जिस समस्त पद के दोनों पद हैं वो समान स्तर के हों, समान हों, वे द्वंद समास होता है। विग्रह करने पर और, अथवा या तथा लग जाता है, जैसे रात दिन, रात और दिन, दाल रोटी, दाल रोटी, आज कल, आज या कल, माता पिता, माता और पिता, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, अपना पराया, अपना और पराया। कर्मधारय समास जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होगा बेटा, कि जिस समस्त पद में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, विशेषण हमने पढ़ा है कि विशेषण विशेष्य कि जहां पर जिसकी विशेषता बताई जाए और जो विशेषता बताई जाए वो है विशेषण, और विशेष्य है उपमान और उपमेय में, जहां उपमा और उपमेय में जहां पर तुलना की जाती है वहां पर उपमा और उपमेय आता है। तो जिस प्रकार से इसका विग्रह है नील कमल, यहाँ पर कमल की विशेषता क्या बता रहा दी कि वो कैसा है, नीला है, तो यहाँ पर विशेष्य विशेषण हो गया नीले रंग का कमल। महाराज, महाराजा की विशेषता क्या बता दी कि वो कैसा है, महान है, तो ये तो हो गया आपका विशेषण और विशेष्य वाला। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान। विद्या धन, विद्या रूपी धन, चरण कमल, चरण रूपी कमल, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका उपमेय और उपमान। आगे है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर बल्कि किसी तीसरे या अन्य अर्थ का बोध कराया जाता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, यहाँ किसके लिए बोला गया, अर्थात ये शिव जी के लिए, तो ये किसमें, अन्य अर्थ के लिए बोध कराए। पीतांबर, पीले अंबर है जिसके, श्री कृष्ण। दशानन, दस आनन है जिसके, रावण। चतुर्भुज, चार भुजाएं है जिसकी, विष्णु। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है आपके कि किसी अन्य ही अर्थ का बोध कराया जाता है। अब है समझने के लिए कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में समान उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन उनका जब हम विग्रह करते हैं तो हमें अंतर समझ में आता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर, कर्मधारय का हो गया कि लंबा उदर किसी का भी हो सकता है, लंबोदर लंबा उदर है जिसका, अर्थात श्री गणेश, तो यहाँ पर क्या आएगा, बहुव्रीहि समास। तो अगर आपको दोनों, अगर लंबोदर आपको, मान लो कि आपको समास दे रखा है, आपको बोला समास विग्रह कर, समास का नाम लिखिए, तो आप जिस तरह से उसका विग्रह करोगे उसी के अनुसार उसका नाम लिखोगे। इसी प्रकार से द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर है कि द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर है चतुर्भुज यानी चार भुजाओं का समूह, तो ये तो हो गया द्विगु समास में, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। अब है इसके प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है समास किसे कहते हैं, इसके कितने पद होते हैं, तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और समास के दो पद होते हैं, कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद। फिर दूसरा प्रश्न है इसमें समास के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो समास है उसके छह भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, और इनके उदाहरण हैं जैसे आजीवन, जीवन भर, राजपुत्र, राजा का पुत्र, चौराहा, चौराहों का समूह, रात दिन, रात और दिन, नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका। आगे है आपका तीसरा प्रश्न, तत्पुरुष समास की पहचान, की क्या पहचान है, दो उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो तत्पुरुष समास की पहचान क्या है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद होता है वो कैसा होता है, प्रधान होता है, तथा समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तत्पुरुष की पहचान है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय इसमें कारक के चिन्ह का लोप हो जाता है। उदाहरण है राजा का पुत्र, राजपुत, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। अगला प्रश्न, कर्मधारय समास में दोनों पदों में किस किस प्रकार का संबंध होता है, कि अभी हमने कर्मधारय समास पढ़ा उसके अंदर दो पद होते हैं उनमें कौन कौन सा जो है प्रकार का संबंध होता है, तो कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, कौन सा, विशेषण विशेष्य, और दूसरा है उपमान उपमेय का संबंध होता है, कौन कौन सा, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है।
अगला प्रश्न, द्विगु समास की क्या विशेषता होती है, दो उदाहरण दीजिए। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, उदाहरण है चौराहा चार राहों का समाहार, नवरत्न नौ रत्नों का समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में स्व उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों में क्या अंतर है। तो बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की ओर संकेत होता है तथा कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का मेल होता है। उदाहरण के रूप में लंबोदर लंबा उदर यानी कर्मधारय समास और लंबोदर लंबा है उदर जिसका श्री गणेश यानी कि बहुव्रीहि समास। अब आगे इसकी एक्सरसाइज है बेटा, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो समास समस्त पद दे रखा है उसका विग्रह करना और फिर नाम बताना है। तो नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिवजी, कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, कर्मधारय समास। वनवास, वन में वास विभक्ति आ रही यानी कि तत्पुरुष समास। आमरण, पहला पद कौन सा है, अव्यय है, मरण तक अव्यय विभाव समास। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार तत्पुरुष समास, क्योंकि क्या ये इसमें विभक्ति। चौराहा, चार आ गया पहले संख्यावाचक, तो चार राहों का समाहार द्विगु समास। आगे है, समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखिए। चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली क्या हो गया, चंद्रमुखी। तो यहाँ चंद्र के समान मुखी वाली तो क्या आ गया आपका, कर्मधारय समास। प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन अव्यय विभाव समास। नीला गगन, नीला गगन का क्या हो गया आपका, नील गगन यानी गगन की विशेषता क्या बता दी कि वो कैसा है, नीला है, इसलिए कौन सा समास आएगा बेटा इसके अंदर, कर्मधारय समास। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि के लिए आ गया यानी तत्पुरुष समास है, तो क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया आपका, विभक्ति चिन्ह आ गया, तो युद्ध भूमि तत्पुरुष समास। भाई और बहन, भाई बहन द्वंद्व समास। चार राहों का समूह चौराहा द्विगु समास, क्योंकि पहला पद कैसा है, संख्यावाची है। आगे है बहुविकल्प प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनिए। आजीवन में कौन सा समान है बेटा, आजीवन में कौन सा समास आएगा, अव्यय विभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व, कौन सा आएगा, अव्यय विभाव समास, क्योंकि इसमें पहला पद क्या है, अव्यय है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी यानी कि चक्र माने जो चक्र है, पाणी मतलब हाथ, के चक्र को धारण करने वाला, ये चक्र जिसके हाथ में है, तो तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, अव्यय, कौन सा आएगा, बहुव्रीहि समास। तो चक्रपाणी बहुव्रीहि समास। चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार का समस्त पद क्या बनेगा, चौराहा, राह चार, चौक या चहुहारा, क्या बनेगा, चौराहा। अन्य पद किसमें प्रधान होता है, कौन सा समास होता है जिसके अंदर अन्य पद प्रधान होता है। देखिए अव्यय विभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला, तत्पुरुष में दूसरा, द्वंद समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और बहुग्री में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी अन्य की ओर संकेत किया जाता है, यानी कि कौन सा पद अन्य पद प्रधान होता है, तो इसमें उत्तर क्या आएगा आपका, अन्य पद। तो बेटा ये सभी जो प्रश्न उत्तर है आपके, छह प्रश्न है आपके, ये छह प्रश्न आपको नोटबुक में नोट करने हैं और एक्सरसाइज है वो बुक में ही फिल करनी है। थैंक यू। So let's start our today's class. So let's discuss about chapter number 5. So chapter number 5 is all about the fraction. Fraction क्या होता है, हमारे पास किसी एक पूरे बोल का पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, ठीक है, इसको अगर हम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये जो एक पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका 1/2, मतलब कि यहाँ पे क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। अगर हमें सिंगल टेंस को लेना है तो क्या करेंगे, टू तो नीचे होगा डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या हो जाएगा 1, अगर हमें इसके बारे में पूछना है, और अगर इधर वाले पार्ट के बारे में पूछना है तो क्या होगा, 1/2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है, ये है हमारे पास शेडेड पार्ट में अगर हम करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शेडेड पार्ट जो है हमने वो करे, यहाँ पे सिर्फ ये शेडेड पार्ट है, तो शेडेड पार्ट का अगर हमें यहाँ फ्रैक्शन निकालना तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल यहाँ पे 6 है, उसको हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये होता है नीचे वाली टर्म, जो हमारे पास एक लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे जो डिफाइन होते हैं उसके नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर, उसमें हम क्या लिखते हैं, टोटल जो है यहाँ पे, टोटल कितना है यहाँ पे, 6 है, और जो शेडेड है वो शेडेड कितना पार्ट है, सिर्फ 1 पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, 1/6, इनकेस यहाँ पे शेडेड ये भी हो जाता तो कितने हो जाते हैं पार्ट, 2, ठीक है, तो ऐसे हम शेडेड पार्ट निकालते हैं। और फ्रैक्शन भी क्या होता है,
पूरे एक वॉल, ये जो हमारे पास पूरा सर्कल है इसकी फिक्स पार्ट है, उनका हमारे पास क्या लेना है, उस वॉल का एक पार्ट लेना, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ 2/6 लिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमने सिर्फ उस पूरे का सिर्फ इतना पार्ट लिया है, ये वाला इस फ्रैक्शन में, ठीक है। सो फ्रैक्शन मतलब यही होता है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज पढ़ते हैं, दैट इज 5.2। सो बिफोर 5.2 यू हैव टू डू सम आइडेंटिटीज या सम डेफिनेशन, सो दैट आर, सो यू हैव टू राइट दीज डेफिनेशन इन योर नोटबुक, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, और इनके एक एग्जाम्पल। और यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला मार्क कर रखा है, इसको भी आपको नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज 5.2। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर सिलेबस। So that is exercise 5.2. You have to note down it in your notebook. So first question is show the fraction on the number line. हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन से प्लॉट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं 8 है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं 0 के बाद 8, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल 0 लिखना है, उसके बाद हम क्या करते हैं 8 वो करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ठीक है। ये 8 है हमारे पास, 1 क्या करें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 0, उसके बाद जो नीचे था उतने हमने क्या करें यहाँ पे स्टिक वो करें, 8 पे क्या लिख दिया है यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये है 1/8, ये हमारे पास 2/8, ये हमारे पास 3/8, ये है 4/8, ये है 5/8, दिस वन इज 6/8 एंड दिस वन इज 7/8, ठीक है। क्या स्टार्ट करा अब हमने, सबके नीचे हमने 8 लिखा है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7, तो हमें सिर्फ 3/8 को प्लॉट करना था, तो दिस वन नंबर यहाँ पे हम क्या कर देंगे सर्कल। नेक्स्ट वन है 1/6, तो क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिनोट करो, और उसके बाद कितने स्टिक्स करने हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, और 6 पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। किस पे करना है, सिर्फ 1, तो 1/6 हमारे पास यहीं पे आ जाएगा 1/6, इसके आगे हम लिख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ भी देना, ठीक है। सो बाकी दो पार्ट आपको खुद ट्राई करने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ नंबर लाइन फॉर ईच ग्रुप, और इसकी आप स्टेटमेंट बुक से नोट कर लेना। सो इसमें क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है इन सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, नंबर लाइन के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहे, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 हमारे पास, हमें नीचे क्या बनाना है 6, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 6 × 1 = 2 से, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना, लेकिन ऊपर भी अगर हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, कितना बन गया अभी 2 हो गया ऊपर, तो 1 × 2 = 2 और 3 × 2 = 6, ये टर्म बन गई 2/6। नेक्स्ट अब हमारे पास 1/2 को हमें क्या बनाना है, 6 नीचे बनाना सिर्फ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3/6। नेक्स्ट आते हैं अब क्या है 2/3, 2/3 में भी अब हमें 3 को 6 करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, 2 × 4 / 6 फ्रैक्शन हो गए अब हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सिंपली लाइन ड्रॉ यहाँ पे 0 से, और उसके बाद कितने स्टिक्स करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। 6 तक क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ देखो एक टर्म है 7/6, चलो पहले हम करते हैं यहाँ 1/6, 1/6 हो गया यहाँ पे प्लॉट कर दिया इसको, ए नाम से वो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1/3 जिसको हमने लिखा 2/6, वो यहीं पे आएगा हमारे पास, 2/6 नहीं आता, 3/6, 4/6, 5/6, ठीक है, ये हो जाता है 6/6। इसके आगे भी हमारे पास टर्म दिया ना, इसीलिए हमने लिख दिया 7/6, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे 2/6 हमारे पास सेकंड टर्म था, इसको हमने बी से डिनोट कर दिया, 3/6 यहाँ पे ये रहा सी से डिनोट कर दिया, 4/6 इसके लिए 4/6 आया था, ये हो गया डी, 5/6 करना था ई हो गया, 6/6 भी करना था तो ये हो गया एफ, और ये 7/6 भी करना था तो यहाँ पे हो गया जी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या करा है डिनोमिनेटर की, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कितने स्टिक्स वो करते हैं पुट डिनोमिनेटर के जितने, ठीक है। 0 के बाद हम क्या करते हैं उससे स्टार्ट करते हैं, 0 के बाद 6 तो यहाँ तक होता है, लेकिन अब क्या आता है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हमने क्या करा उससे किससे मल्टीप्लाई करें जिससे क्या होता है डिनोमिनेटर सेम हो जाए। डिनोमिनेटर क्या होती है, ये जो नीचे वाली टर्म होती है, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सो ऐसे ही आपको बाकी सारे पार्ट करने हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कन्वर्ट करने हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल अनलाइक और लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं,
अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिनोमिनेटर क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाली जो टर्म होती है वो क्या होती है, हमारे पास डिफरेंट होती है हर किसी में, ठीक है। और लाइक में क्या होता है, हर किसी का डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम, ठीक है। लाइक मतलब सेम, अनलाइक मतलब डिफरेंट। और क्या होता है अनडिफरेंट, डिनोमिनेटर। यहाँ देखो 7, 14, 21, 28 सारे डिफरेंट है। अब हमें इनको क्या करना है, एक फ्रैक्शन में मतलब लाइक में चेंज करना, मतलब एक ही डिनोमिनेटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी एक में करना होता है हम हमेशा क्या लेते हैं वहां पे एलसीएम। कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, चार। तो यहाँ इन सभी का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 7, 14, 21, 28। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किससे करते हैं, टू से। अगर यहाँ पे दो नंबर टू से डिविजिबल है तो हम लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट हम पे मूव करेंगे। तो यहाँ 14 और 28 दोनों टू से डिविजिबल है, तो टू। 7 डिविजिबल नहीं है तो 7 एज इट इज, 2 7 जा 14, 21 डिविजिबल नहीं है तो 21 एज इट इज, और इसको करेंगे हम कितना आ जाएगा आंसर 14। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है जो 2 से डिविजिबल है, तो नेक्स्ट पे करते हैं 3। 3 से डिविजिबल सिर्फ यहाँ पे 21 है तो नेक्स्ट करते हैं 5 से होगा नहीं, 4 से नहीं होगा तो 7 से ही होगा सीधा सीधा 7। 7 7 7 7 7 7 3 7 2 जा, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी टर्म क्या होगी हमारे पास, कोई भी एक टर्म सॉरी दोनों टर्म्स किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 2 × 7 × 3 × 2, कितना हो गया 2 × 4 4 × 4 2 12 12 7 84। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 84। मतलब इन सब का हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 84 बनाना है। तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं हमें यहाँ पे 3/7, 7 को क्या बनाना है 84, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो इससे मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 84 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, 7 × 7 कितना आया 14, 7 × 2 जा, तो आंसर कितना आया 12। मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा 12 से, अगर नीचे 12 से मल्टीप्लाई ऊपर भी किससे करेंगे 12 से, कितना आ गया 36/84, बन गया एक तो फ्रैक्शन। नेक्स्ट करते हैं 5/14, 14 के टेबल में 84 कहाँ आता है, 14 6 जा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 6 जा 30/84। नेक्स्ट टर्म देखते हैं 11/21, 21 को किससे मल्टीप्लाई, 21 की टेबल में 84 कहाँ आता है 4 पे, 4 से करा यहाँ भी 4 से, कितना हो गया अब हमारे पास 44/84 हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास 9/28 की टेबल में हमारे पास 84 आता है 3 पे, तो यहाँ ऊपर किससे होगा 3 से मल्टीप्लाई 27/84। अगर ये पता ना चले कि ये हमारे पास किस कैसे निकाल रहे हैं हम टेबल्स में, तो क्या करोगे सिंपली उनको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हो गई सारी टर्म्स अनलाइक फ्रैक्शन सेम फ्रैक्शन, यहाँ लिख देंगे 36/84, 30/84, 44/84 और 27/84, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही, जो लास्ट पार्ट है आपका उसमें 1957 ऐसे, तो सारे के सारे 19 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। 19 की टेबल्स में 19 1 जा 19 3 जा, और ऐसे करके हमारे पास है। तो इस बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू राइट एल फॉर, हमें क्या करना है राइट एल कैपिटल एल फॉर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन अभी बताए थे क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। डिनोमिनेटर क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाली टर्म, जब सबके डिनोमिनेटर्स क्या दिखे सेम दिखे तो हो जाएगा लाइक टर्म। और यू डिनोट किसके लिए करना है, एन लाइक फ्रैक्शन के लिए, लाइक क्या हो जाएगा जहां डिनोमिनेटर डिफरेंट दिखे। यहाँ देखो 3 3 3 डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो गया लाइक टर्म, सिंपली एल लिख देना। यहाँ देखो 13 17 3 17 15 क्या है, सारे डिफरेंट है डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा यू अन लाइक टर्म। नेक्स्ट वन 19 11 11 14 सारे डिफरेंट है यू, 21 21 21 21 क्या हो गया सेम है एल लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें सिंपली यही करना था यहाँ पे। सो स्टूडेंट दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गॉट ऑल द कंटेंट, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी ट्राई इन टुमारोज क्लास। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज फॉर 6th क्लास। स्टूडेंट्स एज यू नो वी स्टार्टेड विद द 16th चैप्टर मॉडल्स, नाउ वी आर टुडे आवर टॉपिक इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शुड एंड वुड। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट नाउ। So students, first of all, I will discuss about should. Should is the past tense of shall. Past of shall. As we earlier discussed about shall, should is used as past tense. For past tense, we are going to use should. So students, I will give you an example of how we are going to use should. He said that you
should report on duty, report for duty on Monday. So students, इसमें हमें past equivalent use किया है, shall के place पे हमने क्या use किया है, should. This is for the past tense. Now students, how next point is where we are going to use should is for duty. कि अगर हमारी जो duty है उसको हमें compulsory करना ही करना है, उसके साथ भी हम should use करेंगे. And example is you should keep your promise. You should keep your promise. So this is your promise, your duty, कि तुम्हें अपना promise ध्यान रखना है. Now for advice, opinion और suggestion, इन तीनों चीजों के लिए भी आप क्या use करेंगे, should. And example is you should go for a morning walk daily. So students, this is advice also, opinion also, और suggestion भी यही है कि हमें तुम्हें morning में उठकर daily walk पे जाना चाहिए. And for the, you can say, correctness, या अगर हम किसी को probability होती है कि हाँ हमें ये expect कर सकते हैं किसी से कि हमें ये काम करना चाहिए था, तब भी हम क्या use करेंगे, should, for expectations. For expectations also we are going to use should. And example is my sister is on her way, she should be here soon. यानी कि मेरी सिस्टर आने वाली है, रास्ते में है और वो जल्दी ही आ जाएगी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी आ जाएंगी, तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, शुड. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल रिपीट इट अगेन फॉर यू, अगेन फॉर शुड, हाउ वी आर गोइंग टू यूज शुड. फर्स्ट पॉइंट इज फॉर पास्ट टेंस, शेल हमेशा पास्ट के लिए, फ्यूचर के यूज होता है, लेकिन जो हमारा शेल का जो पास्ट टेंस है वो क्या है, शुड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ शुड वेयर वी आर गोइंग टू यूज फॉर पास्ट. नेक्स्ट इज फॉर ड्यूटी, ड्यूटी के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, शुड. यू कैन सी हेयर द एग्जाम्पल ऑल्सो. नेक्स्ट इज फॉर एडवाइस, ओपिनियन एंड सजेशन, यू आर गोइंग टू यूज शुड एज पर द एग्जाम्पल. एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो, हम उम्मीद लगा सकते हैं उनसे, हेयर इज द एग्जाम्पल. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वुड. नाउ स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट विद द पॉइंट वुड. सो स्टूडेंट्स, वुड इज, वी आर गोइंग टू यूज वुड इज पास्ट टेंस ऑफ विल. एज यू सी हेयर, पास्ट टेंस ऑफ विल, विल का जो पास्ट है वो क्या है, वुड. नाउ एग्जाम्पल इज, ही सेड दैट ही वुड नॉट अटेंड द सेमिनार, नॉट
attend the seminar. So here we are representing would as the past tense. So next is for polite request also. For polite request, we are going to use would. Example is, would you please lend me your camera. तो हम उनसे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे कुछ चीज मांग रहे हैं, तो हम कॉस्टली बात है, हम पोलाइट रिक्वेस्ट करके ही मांगेंगे, तभी हमें कोई देगा. अदरवाइज अगर हम उनसे एटीट्यूड में बात करेंगे तो हमें कोई अपनी चीज नहीं देगा. सो फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वुड. फॉर द पास्ट हैबिट्स, जो हमारी ऑलरेडी हैबिट्स हैं और वो पास्ट से हैं, यानी कि पहले से ही हैं, उनके लिए भी हम यूज़ करेंगे वुड. एग्जाम्पल इज, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड ऑलवेज गो to the beach. जब मैं बच्चा था तब मैं बीच पे जाता था. Now for the wish, कि हाँ मुझे ये करना है, we are going to use past. Sorry, we are going to use would. An example is, जब हमारी कोई विश होती है कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए था, या हमें ये मुझे ये करना है, किसी चीज़ की हम विश करते हैं, तो वुड दैट आई वर रिच. ये भी क्या है, हमने यहाँ पे विश है हमारी की कि मैं अमीर होता, तो ये हमारी क्या है, विश है. तो क्या है, ये हमारी विश है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, वुड. नाउ स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द टू टॉपिक्स, टू पॉइंट्स, दैट इज शुड एंड वुड, वी आर हैव अ बुक एक्सरसाइज ऑल्सो. नाउ लेट्स सी द बुक एक्सरसाइज. नाउ स्टूडेंट्स, हैव अ लुक ऑन द बुक एक्सरसाइज. फर्स्ट इज, एवरी वीकेंड माई फादर डैश कम होम फ्रॉम वर्क एट 6 PM एंड वॉच टेलीविजन. सो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा था पास्ट हैबिट्स के बारे में. ये एक पास्ट हैबिट है जो कॉन्टीन्यूसली अभी तक चल ही रही है, तो इसमें क्या आना चाहिए, वुड, बिकॉज दिस इज़ द पास्ट हैबिट. एज यू सी इन योर वीडियो, यू सी कि हमने पास्ट हैबिट के बारे में पढ़ा था. यू कैन सी हेयर ऑल्सो कि हमने पास्ट हैबिट के बारे में पढ़ा था, तो क्या आएगा यहाँ पे, वुड. सेकेंड सेंटेंस इज, यू डैश ऑलवेज आस्क फॉर परमिशन फर्स्ट बिफोर यूजिंग समवन एल्स थिंग्स. सो दिस इज द एडवाइस कि तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए. सो इसमें क्या जाएगा, शुड, क्योंकि आप अगर दूसरों से परमिशन लोगे तो ये दिस इज द एडवाइस ऑल्सो कि आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए. Third is, it dash be nice to have the whole week off from work. So this is a, it would be nice, यानी कि ये अच्छा है हमारे लिए कि वो छुट्टी है आज की. So next sentence is, the train from Amritsar dash arrive soon, just be patient. तो इसमें क्या आएगा, वुड, क्यों, इसमें हमारी डिज़ायर है कि वो आने वाली है. नेक्स्ट इज, यू डैश पुट योर डॉग ऑन अ लीज व्हेन यू टेक इट फॉर अ वॉक. ये एक क्या है, सजेशन है.
I should rather read a book than watch that ridiculous film. The boys should admit that it was their mistake. यानी कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है. Parents should always try to be good example to their children. So I hope students you understand this topic should and would. Now thank you everyone. Do this book exercise in your fair notebook. I, Neetu Yadav, welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video, we study about chapter number 7, living and non-living things. So in today's video, we study about structural organization. In structural organization, we point out some difference in our previous video, like cellular, tissue, organ system, etc. But in today's video, we study about food and nutrition and response on stimulus. आज हम पढ़ेंगे जो food and nutrition में topic होंगे आपके photosynthesis, autotrophic and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition में क्या होता है? Plants which make their own food are known as autotrophs, and animals which depend on plants and other for their food are known as heterotrophs. Photosynthesis में क्या? Leaves make their own food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide, etc. is known as photosynthesis. Where is response and stimulus में आप क्या पढ़ेंगे? When we touch any hot or cold object and we response according to that object is known as response and stimulus. So students, let's start our today's video. In our previous video, we study about living and non-living things and characteristics of living things. In characteristics, we study about structure, organization. And today's video we study about food and nutrition and response to stimuli. So let's start with our first topic, food and nutrition. All living things need food in order to obtain energy to grow and to repair their worn out cell and tissue. Jitne bhi living things hote hain, like plant, insect, animal, human beings, unko kiski requirement hoti hai? Food ki requirement hoti hai. किसके लिए? ताकि वो एनर्जी को ऑब्टेन कर सके, उनकी ग्रोथ के लिए और उनके टिश्यू और सेल को रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है. क्यों? क्योंकि जो फूड है उसमें हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन मिलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. सो वी कैन से दैट्स जो प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं. क्यों? क्यों जो एनिमल है वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं? जो प्लांट पे इसलिए डिपेंड करते हैं जो क्योंकि प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. जो प्लांट है अपना खाना खुद बनाता है. ठीक है. सो इसलिए हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं. प्रोड्यूसर का क्या मतलब होता है? बनाना खुद से. तो यहाँ पे प्लांट क्या है? अपना खाना खुद बना रहे. दैट इज़ वाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स. इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रोप्स भी बोला जाता है. एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. प्लांट को ऑटोट्रोप्स कहते हैं और इन प्लांट्स से हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का होता है मेड. सेल्फ मेड न्यूट्रिशन खुद से बनाया हुआ न्यूट्रिशन जो होगा जो प्लांट्स करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं. सो द प्रोसेस बाय विच लीव मेक फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसलिए अब जो प्रोसेस जिसके थ्रू जो लीव्स है अपना खाना खुद बनाते प्लांट्स में उन्हें फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सो वी कैन ऑल्सो से दैट लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट. जैसे हम अपने किचन में, हाउस में, किचन में खाना बनाते हैं, वैसे ही प्लांट्स के जो लीव्स है वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, वहाँ पे खाना बनता है. इसलिए जो लीव्स है उन्हें क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं. ठीक है. अब कैसे होगा? प्लांट्स को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? आपकी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की, वाटर की, मिनरल्स की, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की. आपको पता है जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स में उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं. ठीक है. क्लोरोफिल कैसे? ग्रीन जो आपके लीव्स है उसमें ग्रीन सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. अब क्लोरोप्लास्ट है वो कंटेन करते हैं क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है. अब इसकी जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? उसमें जो आपका CO2, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे आपस में. ठीक है.
किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या देते हैं? फूड एंड ऑक्सीजन देते हैं, C6H12O6+O2। ये क्या है? आपका फूड और ऑक्सीजन, आपका जो शुगर है उसको आप C6H12O6 बोल सकते हैं, और आपका ऑक्सीजन O2। ये आपका क्या है? प्लांट रिलीज करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो सराउंडिंग में एयर में चला जाता है, और फूड क्या है? प्लांट के अंदर रहता है, जिससे अगर दूसरे एनिमल्स प्लांट को ईट करते हैं तो वो जो फूड है उस एनिमल के अंदर चला जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस है। यू कैन ऑल्सो दैट दिस फूड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट। अब देखो, ये जो फूड है वो दूसरे पार्ट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? टिश्यू के थ्रू। अब जो आपके प्लांट हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम, ये सब प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो जो फ्लोएम है, फ्लोएम टिश्यू है आपका, जो फ्लोएम टिश्यू है वो क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो अलग अलग हिस्से हैं, लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, इन सब में फ्लोएम टिश्यू है, वो हेल्प करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल डू नॉट मेक देयर ओन फूड। अब क्या है? जो नॉन ग्रीन प्लांट है और एनिमल्स है, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली ऑन इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है? ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, ठीक है। अब क्या कह रहा है? डायरेक्टली का मतलब क्या है और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? जैसे आपने फूड चेन में पढ़ा होगा, डायरेक्टली आपका ग्रीन प्लांट्स, कोई भी गोट है, बकरी है, ग्रीन प्लांट्स को ईट कर रही है, तो वो क्या है? डायरेक्ट फूड इनटेक कर रही है। लेकिन ग्रीन कोई भी गोट ग्रीन प्लांट को ईट कर रही है और उस गोट को कोई लायन ईट कर रहा है, तो वो क्या है? इनडायरेक्टली प्रोसेस होगी ऑफ टेकिंग फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। क्यों? क्योंकि जो गोट ने जो प्लांट को ईट किया है उसकी एनर्जी गोट के अंदर जाएगी, प्लांट्स की एनर्जी फूड उसके अंदर जाएगा। और गोट को कोई लायन खाता है तो गोट के अंदर जो एनर्जी फूड आया है प्लांट से, वो किस में जाएगा? आपका लोअर में जाएगा। तो ये एक इनडायरेक्टली प्रोसेस है फूड को ऑब्टेन करने की। सो वी कैन से दैट दिस मैथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। अब क्या कह रहे हैं? जो प्लांट और एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते उन्हें हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉप्स। और इस प्रोसेस जो हम न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं उसे हम कहेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरो का मतलब होता है अदर्स, ट्रॉफिक का मतलब फूड। तो दूसरों से हम जो फूड ऑब्टेन कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड और ईट फूड, योर टेबल एंड बेड डू नॉट ईट एनी फूड। अब कोई भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करता है? उनको खाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे आपने देखा होगा आपका टेबल बेड है, वो क्या है? कोई फूड ईट नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। सो वी कैन से दैट वैन वट हैपन्स इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट पैन। जब आप एक्सीडेंटली गलती से किसी भी गर्म पैन को, कढ़ाई को, किसी भी चीज़ को छूते, तो आप क्या करते हैं? यू सडनली मूव योर हैंड एज अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के रूप में आप अचानक से अपना हैंड रिमूव करते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाता है कि वो चीज़ गर्म है, तो वो एक क्विक एक्शन होता है। वो किस वजह से होता है? हेयर टचिंग द हॉट पैन इज द स्टिमुलस एंड रिमूविंग द हैंड इज द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द स्टिमुलस। अब जो स्टिमुलस होता है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग होती है जो स्टिमुलस, उससे क्या होता है? जब हम किसी भी गर्म पैन को टच करते हैं तो उसमें क्या होता है? स्टिमुलस होता है। और रिमूविंग द हैंड, अपना उस टाइम टच करने के बाद हम जो अपना हैंड रिमूव कर रहे हैं वो क्या रिस्पॉन्स होता है? गर्म चीज़, कोई भी गर्म कोल्ड या फिर किसी भी चीज़ को देख के हम अपना हाथ या कुछ भी चीज़ झटके से रिमूव करते हटाते हैं, तो उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। और स्टिमुलस क्या होगा? स्टिमुलस से हमें ये बताता है कि हमने जिस चीज़ को छुआ है वो हॉट है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ चेंज इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस अ चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ स्टिमुलस इन प्लूरल स्टिमुलाई। अब क्या कह रहे हैं? इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में जो चेंज आता है, ठीक है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी बदलाव, एकदम से कोई भी चेंज आता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, कोई चेंज आता है जो क्या प्रोड्यूस करता है? ए चेंज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब क्या होगा? हमारी ऑर्गेनिज्म में, हमारी बॉडी में कोई चेंज आता है, और ये जो इमीडिएट चेंज है क्या होता है? पहले की बजाय चेंज होता है, अलग होता है। कैसे?
एन ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। अगर आज जैसे हमने अभी एग्जांपल बताया कि हम किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम पहले तो नॉर्मल कहीं भी स्टैंड करके उस चीज़ को छू रहे हैं, लेकिन जब हम एकदम से रिस्पॉन्स के साथ अपना हार्ट रिमूव करें तो हमारी बॉडी भी क्या है कुछ टाइम बैकवर्ड्स जाती है। तो वो क्या है, पहले तो हम स्टिल खड़े थे लेकिन थोड़ी देर बाद उस चीज़ को स्टिमुलस के बाद क्या होता है, हमने रिस्पॉन्स दिया और हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट हुई, तो वो जो चेंज हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्टिमुलस कह रहे हैं। एन ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू अ स्टिमुलस, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टिमुलस के दौरान जो रिएक्शन होता है उसे हम रिस्पॉन्स कह रहे हैं कि हमने क्या रिस्पॉन्स दिया किसी भी हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते टाइम। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई लाइक टच, हीट, लाइट, स्मेल एक्सेट्रा इन डिफरेंट वे। अब क्या कह रहे हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई के वे से रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कैसे रिस्पॉन्ड होंगे, लाइक टच, हीट, लाइट, स्मेल एक्सेट्रा इन डिफरेंट वे। अब क्या कर रहे हैं, अलग अलग सेंसेस है आपके, टच का है, हीट का है, लाइट का है, स्मेल का है, तो स्टिमुलस इन सब में अलग अलग रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ टच मी नोट कर्ल अप व्हेन टच। जब हम टच मी नोट प्लांट को, प्लांट की लीव्स को टच करते हैं, छूते हैं, तो वो क्या होता है, कर्ल अप, सिकुड़ जाता है। सो वी कैन से द हेड टच इज द स्टिमुलस एंड कर्लिंग अप ऑफ ए लीव्स इन द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ को छू रहे हैं तो वो स्टिमुलस है, ठीक है, और उस चीज़ का कर्ल अप, मुड़ जाना, लीव्स का मुड़ जाना वो उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है, समझ में। टच स्टिमुलस होगा और उस स्टिमुलस से जो रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कर्लिंग अप जैसे, वो आपका रिस्पॉन्स होगा। ये आपका टच मी नोट प्लांट का डायग्राम है। इसकी ये लीफ है, नीचे की साइड कर्ल अप हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सो टुडेज़ होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 इन फेयर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाई डू ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सो आंसर इज लिविंग बींग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी टू ग्रो एंड रिपेयर सेल। एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, सेल के रिपेयर के लिए आपको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फूड के अंदर ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाई डू एनिमल्स मूव। जो एनिमल है वो मूव क्यों करते हैं। सो आंसर इज एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अपने फूड खाने के लिए, शेल्टर जगह के लिए ढूंढने के लिए एक जो एनिमल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाई इज एक्सक्रीशन नेसेसरी। एक्सक्रीशन नेसेसरी क्यों होता है लिविंग बींग्स में। सो आंसर इज एक्सक्रीशन नेसेसरी इन लिविंग थिंग्स बिकॉज दे प्रोड्यूस वेस्ट मटीरियल प्रोडक्ट दैट नीड टू बी रिमूव्ड सो दैट नॉट बिल्ड पॉइजन इन देयर बॉडी। जो एक्सक्रीशन का रिमूवल ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी वेस्ट मटीरियल, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जिसको हमारी बॉडी से रिमूव होने की ज़रूरत होती है। अगर ये रिमूव ना हो तो हमारी बॉडी में क्या है, पॉइजन बनना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए एक्सक्रीशन इज नेसेसरी। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Welcome to our online classes. This is for class 6th. In previous class, we complete our revision work of both parts, history, civics and geography. And today we start our new chapter of our syllabus, chapter number 3rd of history. We read this chapter in previous classes and today we do the exercise of this chapter. Before we start our exercise, we see the focusing points of this chapter. The name of this chapter is the seeds of a revolution, ki jo kranti ka ek beej tha wo kahan se start hua. To iske focusing point kya hai, neolithic age, neolithic tools and social life. Ki neolithic age kya thi, jo revolution age thi jisme seeds of revolution dala, usi ko neolithic age kehte hain. इससे पहले मेसोलिथिक एज थी, नियोलिथिक टूल्स की, इस टाइम में कौन कौन से टूल्स थे और इस टाइम में कौन कौन सी, मतलब कि यहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी। तो मानव पहले नोमैडिक था, उसके बाद उसने एक जगह पे रह के परमानेंट सेटलमेंट रह उसने रहना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसने एग्रीकल्चर करने स्टार्ट कर दी। उसने जो स्टोन के टूल्स बनाता था उसकी जगह वो कॉपर के टूल्स बनाने लग गया। इसी तरीके से इस पूरे चैप्टर में बताया गया है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स,
इन्वेंशन ऑफ व्हील्स की, इस टाइम में ही इन्वेंशन ऑफ व्हील हुई, मतलब कि व्हील की खोज हुई थी, जिससे मानव जीवन बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे खींच के नहीं ले जाई जा रही थी, उनको अब हम पहियों की सहायता से जल्दी आसानी से लेके जा सकते थे। पोल्ट्री की खोज हुई, क्योंकि पोल्ट्री जो हम अनाज उगाने लगे थे तो उससे क्या हुआ कि उसको स्टोर करने के लिए अब हमें ज़रूरत पड़ने लगी इन चीज़ों की। ये केस स्टडीज है बेटा। फिर उसके बाद है कैल्कोलिथिक एज की, ये जो नियोलिथिक एज थी उसके बाद एक कैल्कोलिथिक एज आई, जिसके अंदर कॉपर वगैरह का यूज़ होने लगा। स्टोन एज के बाद जो कॉपर स्टोन एज आई, उसके बाद लोगों ने क्या किया कि ब्रॉन्ज बनाना स्टार्ट किया मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड टिन से, और अब लोग एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया, जैसे बफेलो है, गॉट्स हैं, पिग्स हैं, शिप्स हैं, कैमल्स हैं, ठीक है। और जो व्हील्स की खोज हुई थी और जो पॉटरी थी डेकोरेट, उन्हें अब वो सुंदर सुंदर तरीके से डेकोरेट करने लगे, और इन सारी चीज़ों ने मानव के जीवन को एक अच्छी लाइफ दे दी। मानव अब जो पुराने जीवन जीत पुराने टाइम में जो बहुत ही मुश्किलों वाला जीवन जीता था, अब वो आसानी से अपना जीवन जीने लगा। नाउ वी डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, न्यूलिथिक एज हैज़ ऑल्सो बीन टर्म्ड एज द, कि न्यूलिथिक एज को हम कैसे कहते हैं, क्या कह सकते हैं, और लास्ट फेज ऑफ द स्टोन एज, कि स्टोन एज का अंतिम चरण। सेकेंड इज डैश वॉज ए मेजर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि क्या मानव के जीवन में एक मेजर जो लैंडमार्क, मतलब कि एक मील का पत्थर साबित हुआ या एक बिल्कुल ही नया चेंजमेंट क्या था ह्यूमन सभ्यता में, तो इन्वेंशन ऑफ व्हील। डैश वर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर ग्रेन्स, की अनाज को स्टोर करने के लिए क्या बनाई गई, पॉटरी। डैश वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड इन कैल्कोलिथिक एज, की कैल्कोलिथिक एज में कौन सा फर्स्ट मेटल यूज किया गया, धातु यूज गई, तो कॉपर। डैश एंड डैश लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज, कि न्यूलिथिक एज में लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। ये हमें किस चीज़ से पता लगता है कि लोग एक तो फार्मिंग करने लगे थे, एग्रीकल्चर करने लगे थे, दूसरा परमानेंट सेटलमेंट में रहने लगे थे, तो इस चीज़ से हमें पता लगा कि मानव के जीवन में चेंजेस आए हैं। नाउ वी डू द चूज द करेक्ट ऑप्शन। द अर्लियर एविडेंस ऑफ व्हील वॉज फाउंड इन, कि जो व्हील के सबसे पहले एविडेंस मिले थे वो कहाँ कब मिले थे, 3500 BCE, 1000 BCE, 2000 BCE या 2500 BCE, तो कब मिले थे, 3500 BCE में, ठीक है। सेकेंड है ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज मैन यूज टूल्स विच वर मेड ऑफ, कि नियोलिथिक एज में मानव जो टूल्स यूज करता था वो किस चीज़ के बने होते थे, आयरन के, ब्रास, कॉपर, स्टोन। आंसर इज स्टोन, क्योंकि अभी हमने जो हमारे फिलिप्स हैं उनमें पढ़ा था कि नियोलिथिक एज को क्या कहते हैं, लास्ट स्टोन एज भी कहते हैं। थर्ड इज बुर्जहोम वॉज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन इंडिया, दिस साइट इज लोकेटेड इन, कि बुर्जहोम है जो नियोलिथिक साइट है, फर्स्ट नियोलिथिक साइट जो खोजी गई थी भारत में, वो कहाँ लोकेटेड है, फर्स्ट है कर्नाटका में, कश्मीर में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में, तो आंसर इज कश्मीर। फोर्थ इज दाउजली हादिंग इज ए नियोलिथिक साइट, कि दाउजली हादिंग एक नियोलिथिक साइट है साउथ इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, वेस्ट इंडिया की या सेंट्रल इंडिया की, तो किस कहाँ की है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। द मेहरगढ़ सेटलमेंट डेट्स बैक टू, कि मेहरगढ़ सेटलमेंट्स मतलब कि कब की डेट कब पाई गई थी या कब बनी थी, 10,000 BCE, 15,000 BCE, 11,000 BCE या 7,000 BCE, आंसर इज 7,000 BCE। नाउ वी डू द मैच द फॉलोइंग्स। कैल्ट, फर्स्ट जर्मन ग्रेनरी, टेराकोटा, हार्पून्स एंड सेंटिनलेस, ए स्टोर हाउस, बोन टूल्स, चॉपिंग, क्ले, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सेल्ट इज मैच विद चॉपिंग, ग्रेनरी,
स्टोर हाउस, टेराकोटा, क्ले, हार्पून्स, बोन टूल्स एंड सेंटिलेस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. दीज आर द मैच द फॉलोइंग्स. नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स. ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड ह्यूमन बिगेन टू सेटल डाउन एंड स्टार्टेड फार्मिंग. कि नियोलिथिक टाइम में जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने क्या किया कि वो एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे ही उन्होंने खेती करनी स्टार्ट कर दी. ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू. सेकेंड इज द हाउसेज एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड वॉज वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एज. कि जो लाइफ स्टाइल थी नियोलिथिक पीरियड के लोगों की वो मिलती थी पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के लोगों से. तो ये क्या है? फॉल्स है. क्योंकि नियोलिथिक पीरियड के अंदर तो नियोलिथिक रिवोल्यूशन हुई थी. ये तो एक रिवोल्यूटरी पीरियड कहलाता है. यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो गई थी. उन्होंने परमानेंट हाउसेस में रहना स्टार्ट कर दिया था. जबकि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में लोग केव्स में, केव शेल्टर में या रॉक शेल्टर में रहते थे. जबकि जो नियोलिथिक टाइम आया उस टाइम पे लोगों ने अपना परमानेंट हाउस बना के रहना स्टार्ट कर दिया. आपने फर्स्ट ही ट्रू फॉल्स में देखा कि सेटल डाउन एंड स्टार्टेड फार्मिंग. उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी. उस टाइम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होने लग गया, इन्वेंशंस ऑफ व्हील हो गए. तो इतनी सारी इन्वेंशंस हुए या इतनी सारी खोजें उस टाइम पे हुई या इतने सारे चेंजेस हुए, तो वो कैसे पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के सेम हो सकता है? तो ये बिल्कुल डिफरेंट था. तो ये क्या है? फॉल्स है. थर्ड इज डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर बिकेम कॉमन ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड. कि डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, कि जो मजदूर वर्ग था उसका डिवीजन और उनका स्पेशलाइजेशन कॉमन था ड्यूरिंग नियोलिथिक पीरियड के टाइम पे. तो दिस इज ट्रू. फोर्थ इज द सेंटेंसलेस ट्रेस देयर ओरिजन टू फर्स्ट अफ्रीकन वेजर्स ऑफ द प्रीहिस्टोरिक पीरियड. दिस इज ट्रू. फिफ्थ इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू द कैल्कोलिथिक पीरियड. कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कैल्कोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुई. तो दिस इज ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, बेटा मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि आपका ये जो चैप्टर था ये हमने प्रीवियस क्लासेस में रीड कर लिया था. इसके अंदर देखिए फर्स्ट ये स्टार्ट हो रहा है नियोलिथिक एज से. उसके बाद इसके अंदर नियोलिथिक रिवोल्यूशन आई, ठीक है, जहाँ से लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, एक जगह परमानेंट सेटलमेंट में रहना स्टार्ट कर दिया. और वो खेती किस किस की चीज़ की करते थे? वीट की करते थे, बार्ली की करते थे, फिक्स की करते थे, ओट की एंड टॉल ग्रासेस इस टाइम पे होती थी. उसके बाद क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ. लोग जो एनिमल्स हैं उनका पशुपालन करने लगे, उनको पालने लगे. उसके बाद इन्वेंशन ऑफ व्हील हो गया. उसके बाद पॉटरी हो गई, ठीक है. तो ये सारे चेंजेस आए. तो अभी हमने पढ़ा था कि वो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के सेम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्योंकि नियोलिथिक एज तो बिल्कुल ही चेंज थी. अब नियोलिथिक टूल्स हैं, आप देख सकते हैं ये नियोलिथिक टूल्स हैं, बहुत ही चेंज्ड हैं. उसके बाद ये हाउसेज हैं, आप हाउसेज देखो कि अब परमानेंट सेटलमेंट में रहने लगे हैं लोग, पशु पाल रहे हैं, ठीक है, हाउसेज हैं. उसके बाद सोशल लाइफ है कि इनकी इस टाइम पे ये जो लेबर है नए नए गांव बसने स्टार्ट हो गए और अलग अलग तरीके के गांव बस रहे थे. कहीं पे हर्डर्स रह रहे थे, कहीं पे वीवर्स रह रहे थे, कहीं पे फार्मर रह रहे थे. उसके बाद केस स्टडी है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि केस स्टडी की कहाँ पे क्या मिला था. तो ये आपके लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो वैसे. उसके बाद नियोलिथिक साइट्स इन नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़, बुरजहोम, ओके. उसके बाद नियोलिथिक साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट, दाउजली, हैडिंग. तो ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में. आप ये चैप्टर को एक बार फिर से रीड कर लेना, जहाँ पे समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड माई व्यूज एंड ऑल द एक्सरसाइज वेरी मच. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. Morning student, welcome to online classes.
This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, nowadays we are doing our revision part. So it has been already almost completed. Now, today what we will do, we will read the chapter number 7 of each class, 6, 7 and 8. So student, let us start. Good morning students. So मैंने आपको ये जो sympathy chapter है आपका class 6 का, तो 7th मैंने आपको previously इसको explain किया है, तो आज इसे मैं दोबारा से आपको explain कर देती हूँ, इसका revision भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको समझ में भी आ जाएगा. I lay in sorrow, deep, distressed, my grief, a proud man, heard, his looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. मैं दुखी होकर लेटा हुआ था और मैं बहुत परेशान था, गहरी सोच में डूबा हुआ था, और उस वक्त मेरा दुख और शोक जो है देखते हुए एक इन हिज लुक वाज कोल्ड, एक पर्सन मेरे पास आया और उसने मुझे कुछ सोना दिया, लेकिन बट नॉट अ काइंडली वर्ड, उसने मुझे सोना दिया लेकिन अपने मुंह से मेरे बारे में ना कुछ पूछा ना ही कुछ बताया. माय सोरो पास्ट, मेरे दुख के दिन, शोक के दिन बीत गए. आई पेड हिम बैक, और जब उसने मुझे मेरे दुख के समय में मुझे पैसे मतलब गोल्ड जो दिया था तो मैंने उसको वापस कर दिया. द गोल्ड ही गेव टू मी, मैंने उसको वो चीज़ वापस कर दी जो गोल्ड उसने मुझे दिया था. देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माय थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और जो है उसके बाद मैंने जो है उसको कहा और उसे धन्यवाद कहा, और जो उन्होंने मेरे मुझे सोना देकर जो उन्होंने दान पुण्य किया था उसके लिए मैंने उसे बहुत सी जो है ब्लेसिंग्स दे. एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माय वे, ही बाउंड माय हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे. फिर अगेन व्हाट हैपेंड विद मी, आफ्टर सम टाइम आई अगेन ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन, यानी कि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मेरे पास खाने के लिए दाना भी नहीं था, मैं बहुत ही दुखी था और मेरे को नीड्स थी और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था. तो उसी समय एट दैट टाइम अ पुअर मैन पास्ड बाय मी वे, मेरे पास से एक गरीब आदमी गुजर रहा था. ही बॉन्ड माय हेड, उसने जो है मेरे जो है सर को सहलाया. ही गेव मी ब्रेड, और उसने मुझे खाने के लिए ब्रेड दी. ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, और उसने मेरी देखभाल दिन रात की, यानी कि दिन रात उस बंदे ने मेरी हेल्प की. हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, अब समस्या क्या आती है कि एक पर्सन ने मुझे गोल्ड दिया तो मैंने उसको पे बैक कर दिया, लेकिन इस पर्सन ने मुझे खाने के लिए ब्रेड की, दिन रात मेरी हेल्प की, दिन रात मेरी देखभाल की, तो ऐसे बंदे को व्हाट शुड आई गिव हिम बैक, उसको मैं वापस क्या करूं, क्या दूं उसे. फॉर ऑल ही सेड टू मी, फिर उसने जो है ये सारी चीज़ें वो अपने आप ही सोचने लगा कि फॉर ऑल ही डिड टू मी, मैं उसको क्या बैक दूं जो उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया. ओह गोल्ड इज ग्रेट, कि काश गोल्ड जो है वो बड़ा है, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन उससे भी बड़ा जो है क्या है जो आपको स्वर्ग की अनुभूति कराती है, वो है सहानुभूति, दैट इज सिंपैथी. सो स्टूडेंट, ये एक 40 मार्के की एक पोयम है जिसमें क्या बताया गया है कि जो है पीपल का अलग अलग नेचर होता है और वो हर एक के लिए अलग अलग होता है.
कुछ पीपल क्या होते हैं, वो जो है अपनी सहायता, किसी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उसे जो है पैसे से या गोल्ड से या किसी और चीज़ को देके हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जो है लोग होते हैं, सम पीपल्स आर लाइक दैट, जो एडमायर्ड होते हैं लेकिन वो पता है क्या करते हैं, वॉट दे डू, दे जस्ट नॉट ओनली हेल्प द पीपल बाय द मनी बट ऑल्सो विद देयर सिंपैथी। तो ये जो है पोएम उसी के बारे में बताई गई है कि अब उस पोएट्स का जो पोएट जो कहता है कि जो पर्सन आपकी हेल्प अगर सोने चांदी या पैसों से करते हैं तो आप उनको जो है उनका जो है किया हुआ काम उनको जो है थैंक्स कर देते हो उनको वापस वो चीज़ लौटा के। लेकिन अगर एक पर्सन आपको अपने सिंपैथी से आपकी हेल्प करता है और बिना किसी जो है भाव के या बिना किसी लाभ या किसी लालच के, तो उस जो सिंपैथी को उसको आप कैसे वापस करोगे। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि उसकी इन सिंपैथी के आगे गोल्ड कुछ भी नहीं है, मनी कुछ भी नहीं है, एंड दिस इज द थिंग इज नॉट, यू जस्ट कांट पे हिम बैक अगेन, रिवर्ट बैक अबाउट हिज सिंपैथी, आप उसके सिंपैथी को वापस नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट, अब जो है ये सिंपैथी का है कंपेंशन, डिस्ट्रेस्ड का है ट्रबल या फिर एंग्विस्ट, ग्रीफ का सौरो, गोल्ड का मॉनेटरी और इससे से है मनी, और इरेक्ट का स्ट्रेंथ, वॉस्ट का टुक केयर, लुक्ड आफ्टर, ग्रेटर मोर वैल्यूएबल। तो ये जो है आपके वर्ड मीनिंग्स हैं, आपको जो है इसका क्या करना है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे लर्न भी कीजिएगा। नाउ स्विच इन टू द एक्सरसाइज। अब ए का देखिए एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला देखिए, माय डैश ए प्राउड मैन हर, तो ट्रबल मुश्किल, ग्रीफ और प्रॉब्लम। तो ग्रीफ क्या है, माय ग्रीफ और प्राउड मैन हर, मेरी कराहना चिल्लाना और दुख से करा, जब पेन होता है बंदा जब चिल्ला कराता है तो उसे हम ग्रीफ कहते हैं, तो वो ग्रीफ को सुनकर के जो उसके पास आया। नंबर टू देखिए, देन स्टूड डैश एंड स्पोक माय थैंक्स, स्ट्रेंथ फॉर इरेक्ट, और उसके बाद जो है उसने क्या किया, उसने सीधा जो है इरेक्ट एंड स्पोक माय थैंक्स, उसने जो है मेरे पास खड़ा होकर के मेरे थैंक्स को जो है कहा। अब नंबर थ्री देखिए, ही डैश मी नाइट एंड डे, तो यहाँ पे वॉच्ड हेल्प एंड सर्व, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका वॉच्ड आएगा, उसने जो है ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने मेरी देखभाल दिन रात की। अब जो है इसमें हेल्प भी नहीं आएगा, मदद करना, सर्व यानी किसी चीज को सर्व करना, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द पोएम वॉच्ड आएगा। नंबर बी देखिए, ट्रू और फॉल्स फॉर स्टेटमेंट्स, तो ये जो फाइव स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट्स आपको अकॉर्डिंग टू पोएम आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सो सी द फर्स्ट वन, द पोएट नीडेड सम मनी टू बाय सम क्लोथ्स, ये आपकी जो है स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वो उसको क्लोथ्स नहीं चाहिए था, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड ही वॉज रियली नीड इन नीड ऑफ हेल्प। A rich man helped him with money. ये भी false है, rich man ने उसको money दे के help नहीं की थी बल्कि उसको जो है gold provide किया था। Number three देखिए, the rich man was kind and sympathetic. तो true किस लिए आएगा, क्योंकि वो kind था और sympathetic था इसलिए उसने उसको gold दिया। अब number four देखिए, the poor man nursed the poet when he was ill. अब जो गरीब आदमी था उसने जो है पोएट की मदद की, उसकी हेल्प की जब वो बीमार था, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। अब नेक्स्ट देखिए, द पुअर मैन सर्विस इज ग्रेटर देन द रिच मैन सेल्फ, अब जो जो अमीर आदमी था उसकी सर्विस से, उसके पैसों से जो है उसकी हेल्प से पुअर मैन की सर्विस पोएम पोएट के लिए ज़्यादा बेटर थी, तो ये जो है स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। सो
सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू द चैप्टर एंड कंप्लीट द चैप्टर। सो स्टूडेंट, एज यूजुअल, जैसा कि मैं आपको पहले भी कहती आई हूँ कि आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट। टुडे सेशन आई प्रियंका मैम टीच यू सब्जेक्ट जीके, हेयर क्लास इज सिक्स एंड चैप्टर इज 24। चैप्टर नेम इज ग्रेट पीपल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 24, ग्रेट पीपल मीन्स जो महान व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबल प्राइज, ओनली पर्सन टू विन इन मल्टीपल साइंस। ये एक केवल एक ही पर्सन है जिनको मल्टीपल साइंस में नोबल प्राइज अचीव किया था। द ओनली वुमेन टू विन इन टू फील्ड, सी इज फेमस फॉर हिज पायनियरिंग रिसर्च ऑन रेडियो एक्टिविटी। और ये किस लिए फेमस है? रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च करने के लिए। आंसर इज मैडम कुरे, दैट इज द पिक्चर ऑफ मैडम कुरे। ओके, नेक्स्ट वन इज एन एंटी अपार्टहेड एक्टिविस्ट, ए रिवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिशियन। हिज एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन डिसमेंटलिंग अपार्टहेड लीगलसी एंड कटिंग रेशिकम एंड इनइक्वालिटी। इन्होंने एज ए पॉलिटिशियन भी वर्क किया है और एज ए एक्टिविस्ट भी वर्क किया है। आंसर इज नेल्सन मंडेला, दैट इज द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट वन इज अर्जेंटेनियन कार्डिक सर्जन, बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन कोरोनरी आर्टरी बाय द सर्जरी। ये एक डॉक्टर है जो एक सर्जरी के लिए फेमस है, बाईपास जो सर्जरी है उसके लिए। आंसर इज रेने फुलवारो। नेक्स्ट वन इज इटालियन डेवलपर ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेटिंग यंग चिल्ड्रंस आर कोल्ड मोंटेसरी मेथड विच बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने जो मोंटेसरी मेथड है उसका डेवलपमेंट किया था। आंसर इज मैडम सॉरी मारिया मोंटेसरी, इसका नेम भी मारिया मोंटेसरी है। दैट इज द पिक्चर ऑफ मारिया मोंटेसरी। नेक्स्ट वन, ए ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ही सजेस्टेड दैट द अर्थ वाज स्फीयर spinning on its own axis and revolving around the sun. More than 1000 years before a European scholar discovered it. Answer is Aryabhatta. जो आर्यभट्ट है वो एक मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोनॉमिस्ट जो स्पेस की जानकारी देते हैं वो भी थे। इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि अर्थ एक स्फीयर है जो सूर्य की चारों तरफ रिवॉल्विंग करती है। ओके, मैथ्स में इन्होंने जीरो का भी इन्वेंट किया था। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश इंजीनियर एंड द बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पब्लिक रेलवे। इट ओपन इन 1825 एंड ही हिमसेल्फ ड्रोव द इंजन विच पुल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट स्टीम 100 पैसेंजर ट्रेन। ओके, ये एक इंजीनियर थे जिन्होंने ट्रेन के जो इंजन है उसका डेवलपमेंट किया था और फर्स्ट जो स्टीम का इंजन था वो पैसेंजर ट्रेन में डाल के और उसको फर्स्ट स्टीम होल्डेड पैसेंजर ट्रेन बनाया था। ओके, आंसर इज जॉर्ज स्टेपचन। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रेंच इन्वेंटर ऑफ ए रीडिंग सिस्टम फॉर बिल्ड द फॉर द ब्लाइंड। ये इन्वेंटर थे फ्रांस के रहने वाले थे जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, एक रीडिंग सिस्टम जो अंधे बच्चे या अंधे लोग हैं उनके लिए। इट इज ए सिस्टम ऑफ रेज डॉट्स ऑन पेपर दैट कैन बी रीड बाय द टच। मींस इसमें डॉट्स थे पेपर पे जिससे को रीड करके टच करके ही पता चल जाता कि ये अक्षर क्या है। आंसर इज लोसी ब्रेल, और जो इन्होंने मेथड डेवलप किया था उसका नाम ही ब्रेल लिपि रखा गया था। नेक्स्ट वन है, ही फाउंडेड द वर्ल्ड वाइड बॉय स्काउट मूवमेंट इन 1908। हिज सिस्टर एजेंस हेल्प फाउंड द गर्ल गाइड मूवमेंट इन द 1910। आंसर इज रोबन बडेन पवल।
नेक्स्ट वन इज ही क्रिएटेड कार्टून करेक्टर्स एंड बिकम वर्ल्ड फेमस डिज्नीलैंड इज द वर्क ऑफ हिज डेडिकेशन. ये कार्टून करेक्टर जो है इन्होंने इन्वेंट किए थे क्रिएटेड किए थे. आंसर इज वॉल्ट डिज्नी इसका नेम है. दैट इज द पिक्चर ऑफ वॉल्ट डिज्नी. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इंडियन मैथमेटिशियन हु वाज द फर्स्ट टू ट्रीट जीरो एज ए नंबर. आंसर इज ब्रह्म गुप्ता. ये ब्रह्म गुप्ता है जिन्होंने जीरो को एक नंबर के रूप में एक्सेप्ट किया था. मीन्स जीरो को मैथ्स में एज ए नंबर यूज करने लगे थे तब से. ओके तो स्टूडेंट दीज आर सम फेमस ग्रेट पीपल्स. यू हैव टू लर्न देयर नेम एंड देयर इन्वेंशन ऑल्सो. ओके थैंक यू. हैव ए नाइस डे.